बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं आपके लिए नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए आपकी हेल्प करूंगा, और आप लोग मेरी हेल्प करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो इंग्लिश मीडियम के न्यूमेरिकल्स हैं वो हो चुके हैं, और इंग्लिश मीडियम के तमाम न्यूमेरिकल्स अपलोड हैं। अब आ रही है बारी उर्दू मीडियम के न्यूमेरिकल्स की। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मददजैल मकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से जाहिर करें। अब इसमें ये 5000 ग्राम है तो कहते हैं इसकी प्रीफिक्सेस क्या बना सकते हैं, तो हम इस ग्राम को किलोग्राम के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये 5 हमारे पास 1000 है, और जब हम इसे अभी हल करने के लिए हम सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले, और फिर हमने साथ लिख लिया ग्राम, और इस ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम के अंदर, और किलोग्राम के अंदर डिवाइड हम किस पर करेंगे। जैसे ही हमने 1000 पर डिवाइड किया तो जो हमारे पास किलोग्राम था उसका क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। जो ग्राम था वो किलोग्राम बन गया। 30 के साथ कैंसिल, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 5 kg। और ये उसका क्या बन गया, प्रीफिक्सेस में सॉल्व हो चुका। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट है 2 जिसमें ये 20 लाख वाट है, तो ये वाट का प्रीफिक्सेस क्या होगा, मेगावाट होगा। और मेगावाट के लिए क्या किया जाएगा, हम इसे 10 लाख पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 20 लाख है, सॉल्यूशन किसका, ये 2, 1, 0, 2, 3, 4, 5 and 6 वाट है। और अगर इसको ये क्रॉस 10 की पावर 6 भी लिखा जा सकता है, इस 1, 2, 3, 4, 5 and 6 से मिला 10 की पावर 6 भी लिखा जा सकता है, और ये है वाट। तो ये 10 की 6 को हम मेगा में लिखते हैं और आगे क्या आ जाएगा, वाट। तो इसलिए हमारे पास 2 मेगा वाट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। हम इसको क्या कर लेंगे, 10 की 6 को मेगा, और ये क्या आ जाएगा, मेगा वाट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्ट नंबर सी है, 52 × 10⁻¹ का 10 kg, ये किलोग्राम है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम मियोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ग्राम है और ग्राम से हम मियोग्राम के अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें उसने रिक्वायर्ड आंसर मियोग्राम के अंदर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि ये किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मियोग्राम के अंदर। तो ये 52, ये क्रॉस 10 की 1 फीट 10, और इधर ही सोल्यूशन है, और जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास है ग्राम बन जाएगा। तो ग्राम के बाद हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मियोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये 52 है और क्रॉस 10 की पावर -6 मैंने अलग कर दिया, और 10 की -4 अलग कर लिया। ये 10 की -10 से मिला 10 की -6 है, इसे मैं मियो के साथ मिलाऊंगा, और साथ 10 की -4 मैंने सेपरेट कर लिया। और ये जो 1000 है इसे क्या लिखा जाएगा, ये 10 की पावर 3 लिखा जाएगा, और आगे ग्राम आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 52 क्रॉस 10 की -4, और ये प्लस का है, और ये किसका हो जाएगा, इसको हम 7 एक जगह पर प्लस कर लेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर बेस है तो पावर हम इकट्ठी कर सकते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6 और 7 क्या होगा, ग्राम होगा। ये 52 10 की पावर 4 में से 3 क्या क्या रह जाएगा, -1, 10 की -6 क्या है, म्यू,
और आगे क्या होगा दरामद। इसका मजीद एक स्टेप और करना चाहते हैं तो यहां तक हम इसे छोड़ सकते हैं, वरना टेन की मंथली वन से मुराद है कि आप लोगों ने इधर से एक डिजिट छोड़ने के बाद क्या लगा देना है अशारिया, इसलिए 5.2 म्यू ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो हम 52 क्रॉस 10 की पावर मंथली 1 म्यू ग्राम भी लिख सकते हैं, और हम उसकी जगह पर बाद में अगर 10 की मंथली 1 को खत्म करना है तो हम एक डिजिट छोड़ने के बाद अशारिया आगे लेके चले जाएंगे, तो उसे 5.2 म्यू ग्राम भी लिख सकते हैं। आगे है 225 जरा 10 की पावर मंथली 8 है, तो इसे भी हमने जो सेकंड के अंदर है इसे म्यू सेकंड के अंदर लेके जाना है। 2 2 5 10 की मंथली 2 अलग कर लिया और 10 की मंथली 6 अलग कर लिया, क्योंकि ये मंथली 6 म्यू की वैल्यू है और आगे वाला सेकंड वैसे का वैसे रहेगा। ये 225 ये 10 की मंथली को पॉजिटिव करना है तो हम इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, यानी कि डिफरेंट तरीके से आप उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उसका एक आध स्टेप करना हो तो वो भी कर सकते हैं। 10 की मंथली 6 क्या है म्यू और आगे है सेकंड, 225 डिवाइड कर लेंगे 10 की 2 से मुराद क्या है 100 और ये क्या है म्यू सेकंड। 225 को अगर हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.25 और आगे म्यू और सेकंड, ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और नोट करें। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने के बाद उनको भी हम अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 2 है जो चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं, जिसमें प्रीफिक्सेस माइक्रो नीनो और पीको का आपस में क्या तल्लक है, तो हमारे पास ये हल लेंगे और पूछा गया है कि माइक्रो, ये हमें पता है कि जो माइक्रो है वो 10 की पावर -6 है, फिर उसके बाद जो नीनो है वो हमारे पास 10 की पावर -9 है, और जो पीको है वो हमारे पास 10 की पावर -12 है। तो उन्होंने कहा इनका आपस में क्या लिंक है और क्या रिलेशन है जो आप लोग हमें बता सकते हैं, तो हम इनको बता सकते हैं कि अगर ये अकेला हम जो पीको 10 की मंथली 12 लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये 10 की मंथली 6 और 10 की मंथली 6 लिखा जा सकता है, दोनों को 10 की मंथली 6 और 10 की मंथली 6 में लिखा जा सकता है। ये 10 की मंथली 6 है और इसकी जगह पे हम ये इसका म्यू जिसे आप लोग क्या कहते हैं माइक्रो, तो ये आ जाएगा 10 की मंथली 6 माइक्रो, ये इसका लिंक है कि पीको के अंदर हमारे पास 10 की मंथली 6 और माइक्रो मौजूद है। फिर इसके बाद उसने पूछा कि ये जो नीनो है इसमें आप क्या लिंक बता सकते हैं, ये है 10 की मंथली -9, तो क्या इसे मैं 10 की मंथली 3 और 10 की मंथली 6 नहीं लिख सकता हूं, वो मंथली 9 ही आएगा। फिर इसके बाद ये क्या बनेगा, ये 10 की -3 और इसकी जगह पे ये क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या बन गया कि हमने उनका लिंक बता दिया कि जो माइक्रो 10 की मंथली 6 है वो हमारे पास नीनो के अंदर भी मौजूद है, और नीनो का फिर वो 10 की मंथली 3 और म्यू बन जाता है, और पीको का ये 10 की मंथली 6 और म्यू बन जाता है। इसके अलावा इसका एक और भी मेथड है लेकिन ये ज्यादा इजी और जो चीज को समझने के लिए, इसलिए फिर वक्त हम यही करेंगे, लेकिन अगर ना आए तो कभी आप दूसरा भी समझ सकते हैं, लेकिन उसका एक पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं ताकि आप कहें ना कि वो दूसरा जो पॉइंट है वो किस तरह उसको हल कर सकते हैं। तो दूसरी तरह इसको इस तरह हम हल कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये 10 की -6 है और आपको पता है ये मंथली 6 ये क्या चीज है, ये माइक्रो, ये क्या चीज है
ये हमारे पास माइक्रो। अब ये देखिए माइक्रो आपस में क्या लिंक पैदा कर रहा है। ये 10 की मनफी 6 है, इसमें मैंने 10 की मनफी 3 का इजाफा किया और साथ मैंने 10 की पॉजिटिव 3 का इजाफा किया। ये जिसे अपने पास से आप लोग मनफी पावर ले और प्लस पावर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्वेश्चन हल होता है तो उसको जरूर लिया जाता है। तो ये 10 की मनफी 6 वैसे, लेकिन 10 की मनफी 3 ले लिया और साथ 10 की पॉजिटिव 3 ले लिया। अब जरा चेक कीजिएगा इसको मजीद, हम मैं नीचे करता हूं, ये 10 की मनफी 9 और 3 मिलकर टोटल कितने होंगे, माइनस का 9 और आगे वाला क्या है 10 की 3। ये 10 की मनफी 9 को आप लोग क्या कहते हैं, नीनो, और आगे वाला क्या है उसे चाहे 1000 लिख ले, तो ले एक ये वाला लिख माइक्रो के साथ हम लिख सकते 1000 और क्रॉस नीनो। ये दूसरा तरीका है। फिर इसके बाद अगर आपके पास ये जो नीनो है इसमें हम पीको को मिला सकते हैं, ये 10 की ताकत क्या है माइनस 9, क्या मैं इसे 10 की मनफी 9 में बिल्कुल उसी तरह 10 की मनफी 3 और 10 की पॉजिटिव 3 ऐड कर सकता हूं? जी हम कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास ये 10 की मनफी 3 और मनफी 9 मिलकर टोटल कितना आ जाएगा, माइनस का 12 और आगे है 10 की 3। फिर ये 10 की मनफी 3 किसके बराबर है, पीको, ये पीको और आगे साथ हम क्या लिख सकते हैं 1000। तो ये दो तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। आपके बाल 1 मिलीमीटर रोजाना की शरह से बढ़ते हैं, हल हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये रोजाना जो बाल बढ़ते हैं कितने बढ़ते हैं जी, 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। इनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करें, नैनो ये एक दिन की है, कहता है दिन को पहले लाओ घंटों में, घंटों को लाओ मिनटों में और मिनटों को लाओ फिर सेकंड के अंदर। कैलकुलेटर दे साथ मुझे, देखते जाए साथ एक बच्चा मुझे कैलकुलेटर दे दे। ये एक है और यहां पे ये नैनो है और आपको पता है कि नैनो के लिए 10 की 10 10 की ये 10 की पॉजिटिव 9 लेना पड़ेगा और 10 की माइनस 9 लेना पड़ेगा, 10 की पॉजिटिव 9 और साथ 10 की हमने क्या ले लिया नेगेटिव 9 ले लिया। तो ये पॉजिटिव 9 और नेगेटिव 9 लेंगे तो ये नीनो बनेगा। फिर उसके बाद हम मैं आगे इसका इजाफा भी करूंगा, ये मिलीमीटर वैसे का वैसे आया, फिर 1 ये 10 की 9 और ये 10 की मंथली 9 किसके इक्वल होगा जी, नीनो के, इसलिए उसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया नीनो। जो मिलीमीटर है उसका आंसर उसने दिया मीटर में, तो नीनो मेरे पास बन गया और मिलीमीटर का क्या बनाऊंगा मैं मीटर। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अकेला मीटर रह गया। तो हमारे पास जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर का क्या बन जाएगा मीटर बन जाएगा। और अभी ये दिन है और दिन को किस में कन्वर्ट करना है, अभी ये हमारे पास दिन है, अभी नीचे वाले चले इसी स्टेप में साथ ही में करता हूं, 24 पर डिवाइड किया तो ये आगे 24 घंटे, दिन का घंटे, 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट आ गए और दोबारा 60 के साथ डिवाइड किया तो क्या बन गए सेकंड, दिन का क्या बन रहा है सेकंड, 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, समझ आ गई। हमारे पास ये 10 की कितनी है, अच्छा ये मिलीमीटर है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर चुका हूं क्योंकि ये हमारे पास यूनिट छोटा है, ये क्या है मीटर, और इसको मैंने मिलीमीटर से मीटर में छोटी इकाई से बड़ी की तरफ लेके जाना है, अगर छोटी से बड़ी की तरफ लेके जाना है तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो वो मैं अगले स्टेप में लेके जाता हूं। मैंने उसको क्या कर दिया रे मिलीमीटर ये भी रहने दिया, नीचे लेके आता हूं। ये 10 की कितना है 9 और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा
90 और ये क्या है नैनो और ये क्या है अब मीटर। अब इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूं, ये 24 ये 60 और 60 आपस को करूंगा मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 60 तो मेरे पास आएगा 86,000 और 400। तो ये जो मिलीमीटर का मैंने अकेला मीटर लिखा है, अब मिलीमीटर को किस में बदलने लगा हूं मीटर में। 10 पर डिवाइड किया तो सेंटीमीटर और 100 पर डिवाइड किया तो क्या बन गया मीटर बन गया। मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि क्या करना है डिवाइड करना है। आप जरा चेक करें, ये दो जीरो कैंसल, एक और 3 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो और कैंसल। अब ऊपर क्या बचा 10,000 और नीचे क्या बचा 864 और ये क्या है नैनो मीटर और नीचे क्या बना हुआ है सेकंड। इस सेकंड को ऊपर जाकर ले आए तो किसका हो जाएगा इनवर्स का जो हमें चाहिए। अब 10,000 को डिवाइड हम करेंगे 864 पर तो हमारे पास आंसर आएगा 11.5757 और नैनो मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, इसलिए आप लोग इसको हल कर लीजिएगा।